सो एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। प्रीवियस क्लास में हमने 10.4 क्रॉस प्रोडक्ट का हमने जो भी कंसेप्ट है वो हमने क्लियर किया था। उसमें हमने क्या सीखा था कि ए क्रॉस बी को मैंने क्या कहा था आपको कि ए क्रॉस बी जो है अगर नॉर्मल ए डॉट बी की तरह हम फाइंड नहीं कर सकते, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाता हूँ। देखो आपको फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए कंपोनेंट्स क्या है आपका, योर वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो कैसे करेंगे देखो, ए क्रॉस बी तो मैंने कहा डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, तो कैसे करेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। अब वेक्टर ए में आई कैप का जो कॉफिशेंट है वो 1 है, जे कैप का कॉफिशेंट -7 है और के कैप का कॉफिशेंट 7 है। ऐसे आप वेक्टर बी में देखो 3, -2 और 2। अब जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना कि जब भी आपको इसको एक्सपेंड करना है तो आपने आर वन के अलोंग करना है। जब आप इसको आर वन के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो आई जे और के ये तीनों ही जो हैं आपके आई कैप जे कैप और के कैप ये आपके ब्रैकेट से बाहर आएंगे। अगर आपने आर सी वन सी टू या आर टू कुछ भी ऐसा किया तो आई जे के आपके ब्रैकेट के अंदर आ जाए, कैलकुलेशन और आपकी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है तो एक्सपेंड अलोंग आर वन, तो क्या लिखोगे एक्सपेंड अलोंग आर वन, एक्सपेंड अलोंग आर वन, ठीक है। तो आई कैप क्या हो जाएगा आपका, अब आपको पता कैसे करते हैं एक्सपेंड हम आई कैप, अगर आई कैप की हम बात कर रहे हैं तो आई कैप वाली रो और आई कैप वाले कॉलम इसको हाइड कर दो, वी आर लेफ्ट विद -7 × 2 दैट इज -14। देन माइनस एक हमारी साइड से आता है, एक फॉर्मूले में अप्लाई होता है माइनस और एक माइनस ही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 7 = 14। फर्स्ट वाला पॉजिटिव होता है, सेकेंड वाला कंपोनेंट नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन। नाउ और जे फर्स्ट रो और जे वाले कंपोनेंट को हाइड कर दो, नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 × 2 2 -3 × 7 -21 एंड देन 4k फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, तो 1 × -2 -2 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 × 3 = 21। तो आपकी ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, -14 + 14 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। अब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जो मेथड होता है वो सेम होता है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, अंडर रूट ऑफ आई कैप का देखो कॉफिशेंट 0 है, उसको लिखने की नीड नहीं है, जे कैप का कॉफिशेंट 19 है तो 19² प्लस 19² तो अंडर रूट हो गया 19² विद इन ब्रैकेट 1 + 1, तो 19² जो है आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयरिंग में है, वी आर लेफ्ट विद 19√2 यूनिट। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट क्लियर। इफ इट इज क्लियर टाइप थम्स अप। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब यही तो हमारा कंसेप्ट था, एक वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। अगर मुझे कोई वेक्टर फाइंड करना है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, लाइक वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ए के भी है, इट मीन्स आई नीड टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली अगर मुझे कोई वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, इट मीन्स आई नीड टू फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये मुझे फाइंड कर,
राइट, तो बेटर क्या होगा, से ये आपका हो गया एक्स वेक्टर, ये आपका हो गया वाई वेक्टर, एंड देन वी नीड टू फाइंड एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर। ओके, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वैल्यू हैज बीन गिवन, लेट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 3+1 4i कैप, 2+2 4j कैप, y vector is equal to vector a minus vector b, 3-1 2i cap, 2-2, ये तो cancel हो जाएगा आपका, 2 cap minus minus क्या हो जाएगा plus, ये हो जाएगा 4k cap। अब जो vector आपको find करना वो x vector और y vector दोनों के perpendicular है, it means we need to find the cross product of x and y vector। तो कैसे find किएंगे, अभी हमने discuss किया i cap j cap k cap। अब x vector में देखो i cap का coefficient क्या है 4, जे का क्या है 4, बट देर इज नो के कैप, सो 0। वाई वेक्टर में देखो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, वाई आपका जे है नहीं 0, और के कैप का कोफिशिएंट क्या है 4। एक्सपेंड कैसे करना है, एक्सपेंड अलोंग आर वन, तो जब आर वन के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, 4 × 4 क्या हो जाएगा 16 - 0, देन माइनस जे क्या, जे क्या आपके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, 4 × 4 16 - 0, देन प्लस के क्या, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, 4 × 0 0 - 8, तो ये हो गया 16i cap - 16j cap + -8k cap। आपको जो वेक्टर इन दोनों वेक्टर के क्रॉस, जो वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वो वेक्टर आपका हो गया जेड, जेड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वाई एंड एक्स वेक्टर। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसकी वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, 16² + -16² + -8² भाई, माइनस का स्क्वायर आना तो पॉजिटिव ही है, व्हाट वी विल हैव, अब देखो इन सभी वैल्यूज में जो 16 है आपका, ये भी क्या होगा 8 × 2 8 × 2 एंड 8 × 2, ये हो गया 8 × 1, तो 8² तो आपका सभी ब्रैकेट से कॉमन आ जाएगा, 8² आपका कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा 2² सेकेंड टर्म से आपका बचा 2² और थर्ड टर्म में आपका बचा 1, 8² जो आपका कॉमन है रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 4+4+1, योर आंसर विल बी 8√9, दैट इज 8 × 3 = 24 यूनिट। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करना है, डिटरमिनेंट की हेल्प से, और हमेशा एक्सपेंड अलोंग आर वन ही करना है, क्योंकि अगर आप आर वन के अलावा किसी और चीज से एक्सपेंड करो तो आई जे के आपके ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, तो 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो गए। अब आपको नहीं, सॉरी एक मिनट, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, यूनिट वेक्टर, ओके आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, वेक्टर वैल्यू अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, हमें इसका क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया आपका, जेड कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसकी वैल्यू थी, ये इसका मैग्नीट्यूड आया, तो 16/24 i cap -16/24 j cap -8/24 k cap, तो व्हाट वी विल हैव, तो फाइनल आंसर विल बी 8 × 16, 8 × 3 = 24, -2/3 -1/3, इट मींस अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई। अब मैं मेरी बात अब ध्यान से सुनो, जो चीज मैं समझा रहा हूँ, मैंने आपको जब कंसेप्ट क्लैरिफाई किया था तो भी मैंने आपको बताया था, अगर कोई वेक्टर, जैसे देखो मैंने वेक्टर बनाया एक्स, ये वेक्टर हो गया वाई, तो आपका जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर है वो ये हो गया, बट मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये पोजीशन इंटरचेंज होती है, लाइक ये अगर आपका वाई वेक्टर होता है और ये आपका एक्स वेक्टर होता है, इन दिस केस जो आपका यूनिट वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा, मीन्स वेक्टर नॉट यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वो आपका डाउनवर्ड होगा। अब क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि जिससे हमें ये पता चले
कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है या जो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर जो है आपका वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। दैट इज वाई जो भी आपका आंसर आएगा हम इसमें दोनों केसेस कंसीडर करेंगे। मींस अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर इज इधर 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के का अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो, और अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो माइनस आ जाएगा। माइनस ऑफ 2/3 आई कैप माइनस ऑफ 2/3 जे कैप माइनस ऑफ 1/3 के क्या। अगर आप माइनस को अंदर लेके जाओगे, माइनस को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 1/3 के क्या। आपकी एनसीईआरटी में ये आंसर कुछ इस तरह से दिया होगा, प्लस माइनस प्लस और माइनस 2/3 आई कैप माइनस प्लस, नहीं प्लस माइनस लिख के ऐसे करके ब्रैकेट में इसको आप ऐसे लिख दो या जो भी आपकी ये वैल्यू है माइनस 1/3 के। और आइडियली आप इसको ऐसे दोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा कि एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि जो आपका परपेंडिकुलर वेक्टर है अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसको कहते हैं म्यू, एम यू, ये ग्रीक वर्ड होता है ये भी। फाइंड द लैम्डा एंड म्यू, ये आपको दिखाई देना ना, लैम्डा है और ये म्यू है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू क्या होगी। ओके तो कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट, तो मैंने कहा था जीरो नहीं लिखते हैं, जीरो वेक्टर लिखते हैं। जीरो वेक्टर का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड, पहले मैं आपको यही थोड़ा सा लॉजिकली समझा देता हूँ। जीरो वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, जैसे आपने एक एक्स वेक्टर लिया और मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो देखो इस वैल्यू पर तो जीरो नहीं होगा, 2, 3 और 4 का सम करके कैसे जीरो, ये कब जीरो होगा, जब आपका आई कैप का कोफिशिएंट ये भी जीरो, जे कैप का कोफिशिएंट ये भी जीरो और के कैप का कोफिशिएंट ये भी जीरो। जब आई जे के जो कंपोनेंट होते हैं, जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, वो सारे जीरो होते हैं, तो उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं, ये आपका जीरो वेक्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया कि जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है। अब जो वैल्यूएशन है आपकी वो क्या है, जो वेक्टर ए है आपका, योर वेक्टर ए इज फर्स्ट वेक्टर आपका 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, और जो सेकंड वेक्टर है आपका वो क्या है आपका आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप। ओके तो कैसे करेंगे, आई जे के फर्स्ट वेक्टर में देखो जो आपके कोफिशिएंट है वो क्या है आपके 2, 6 और 27, सेकंड वेक्टर में क्या 1 लैम्डा और म्यू इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ये आपका आई कैप, आई कैप को हाइड कर दो, 6 into μ, 6μ माइनस 27 into λ, 27λ, देन जे कैप को हाइड कर दो प्लस, फिर माइनस होता है 2 into μ, 2μ माइनस 27। ओके देन के कैप की रो और कॉलम को हाइड कर दो, 2 into λ, 2λ माइनस 6 into 1 माइनस 6 इक्वल टू 0 वैक्टर। अभी मैंने आपको बताया अगर ये 0 वैक्टर है, अगर ये वैल्यू 0 वैक्टर के इक्वल है तो आई कैप का जो कोफिशेंट होगा वो भी 0 के इक्वल होना चाहिए, जे कैप का जो कोफिशेंट है वो भी 0 के इक्वल होना चाहिए, और जो के कैप का कोफिशेंट है ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स क्योंकि 0 वैक्टर का मतलब क्या होता है, 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, तो ये जो वैल्यू है इक्वल टू 0 0 0, जब आप 0 के इक्वल रखोगे आपको तो म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकालनी। सबसे इजी वे क्या है, देखो यहाँ तो फाइंड नहीं हो सकती, ये तो सिर्फ आप चेक करने के लिए इक्वेशन का यूज कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। 2μ - 27 0 तो म्यू हो गया 27/2, 2λ - 6 = 0 लैम्डा हो गया 3, ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे तो ये 0 के इक्वल ही आएगा। यू कैन सी दैट 6 into 27/2 माइनस 27 into 3
3 जा 6 देखो 27 इनटू 3 माइनस 27 बाय 3 इक्वल टू 0 इट मींस योर आंसर इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 इज शो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ओके ये आपको शो करना अभी आई जे के में नहीं है कंपोनेंट ये नॉर्मल वेक्टर्स है इसको आप डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट आप इसका कर सकते हो आई जे और के की फॉर्म में होगा तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालोगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है डायरेक्टली आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे एक ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था 10.4 का तो मैंने आपको बताया था सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है वो आपका जीरो होता है वाई बिकॉज साइन जीरो जीरो होता है सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है दूसरा मैंने आपको बताया था अगर आप वेक्टर की पोजीशन चेंज करते हो तो साइन भी चेंज हो जाता है लाइक अगर माइनस ये बी क्रॉस ए है अगर इसको ए क्रॉस बी करोगे तो माइनस आ जाएगा और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो योर आंसर इज ट्वाइस ऑफ विद इन ब्रैकेट ए क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो किसके इक्वल है आपका राइट हैंड साइड देन क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ अ यूनिट वेक्टर ए देखो यूनिट वेक्टर का वैसे तो यूनिट वेक्टर का जो नोटेशन होता है वो ए कैप होता है यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है ए कैप बट यहाँ पर क्या कहा उसने यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या दिया हुआ ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर ए है जो मेक्स एंगल पाई बाय थ्री विद आई कैप मीन्स आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है डायरेक्शन कोसाइन पाई बाय फोर विद जे कैप आपको बीटा गिवन है एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप आपको गामा निकालना फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जनरल वेक्टर होता है इसकी वैल्यूएशन क्या होती है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप जिसमें ए बी और सी जो होते हैं आपके वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और जो यूनिट वेक्टर होता है इसकी वैल्यूएशन क्या होती है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एम के कैप इसमें एल क्या होता है कॉस अल्फा एम क्या होता है कॉस बीटा और एम क्या होता है आपका कॉस गामा राइट ये जो अल्फा बीटा गामा होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल ये क्या होता है डायरेक्शन एंगल और कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन के इक्वल होता है अब अगर मैं इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू वन स्क्वायरिंग बोथ साइड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि डायरेक्शन को साइंस के बीच में रिलेशन क्या होता है कि जो उनके स्क्वायर का सम होता है वन के इक्वल होता है आई थिंक ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ राइट अब इस क्वेश्चन में हम इसी का यूज करेंगे क्वेश्चन में आपको गिवन है एल दैट इज कॉस अल्फा और अल्फा की वैल्यू है कॉस 5/3 कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 देन एम एम है आपका कॉस बीटा की वैल्यू होती है कॉस 5/4 दैट इज 1/√2 एन है आपका कॉस गामा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वेक्टर ए आपका यूनिट वेक्टर है अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी जो बेसिक फॉर्म होगी वो क्या होगी एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ये स्टैंडर्ड वैल्यू होगी इस यूनिट वेक्टर एंड वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है वन एल जो आपने अभी फाइंड किया वो किसके इक्वल है 1/2 एम 1/√2 और एन है आपका कॉस थीटा तो एल की जगह क्या हो गया 1/2 स्क्वायर एम की जगह 1/√2 स्क्वायर और एन की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वन माइनस 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 होगा 1/4 1/4 दैट इज माइनस 1/4 तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 1 व्हाट वी विल हैव 1/4 cos square theta 1/4 है तो cos theta क्या होगा प्लस माइनस 1/2
cos थीटा क्या होगा प्लस माइनस वन बाय टू। अब इधर देखो क्या लिखा है यहां पर, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो जीरो और नाइन्टी के बीच में होता है। जीरो और नाइन्टी के बीच में होगा तो पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। अगर एक्यूट एंगल है तो जीरो नाइन्टी के बीच में होगा, तो कैसे लिखेंगे हम, एज थीटा इज एन एक्यूट एंगल तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, वन बाय रूट टू पॉजिटिव। कॉस थीटा क्या होगा आपका, वन बाय टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने 10.3 में भी किया था। क्या है गिवन दैट, क्वेश्चन है आपका गिवन दैट इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन आपने इस टाइप पे, तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन आपने, ये और ये वाला पार्ट ये आपने 10.3 में किया था कि अगर ए डॉट बी जीरो के इक्वल है तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी। बट यहाँ पर क्या कहा उसने, अगर ए डॉट बी जीरो है एंड, एंड का मतलब और ए क्रॉस बी जीरो है, अगर ए डॉट बी जीरो के इक्वल है और ए क्रॉस बी जीरो वैक्टर के इक्वल है तो वैक्टर ए और वैक्टर बी के बारे में आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको देखनी है वो ये वाला वर्ड है एंड, कि जो भी चीज आप कंक्लूड करोगे वो दोनों के लिए कॉमन केस होना चाहिए। उसने और नहीं कहा, उसने एंड कहा आपको। ठीक है, क्या करोगे आप, सी वी नो दैट अगर ए डॉट बी जीरो के इक्वल होगा उसमें फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। और अगर ए क्रॉस बी जीरो के इक्वल होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए वैक्टर बी साइन थीटा, साथ में एंड वैक्टर होता है इक्वल टू जीरो। और आपको पता है जो एन वेक्टर होता है ये एन यूनिट कैप जो होती है आपकी, ये डायरेक्शन को शो करता है, और बाकी का ये जो सारा पार्ट होता है ये मैग्नीट्यूड को शो करता है लाइक दिस। ये सारा किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड। अगर ए डॉट बी जीरो के इक्वल होता तो ए परपेंडिकुलर टू बी होगा, बट अगर ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर के इक्वल होता तो ए या तो पैरेलल होता है, दोनों वेक्टर या तो पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं। मैंने कहा दोनों में कॉमन केस देखना, ये तो कॉमन है नहीं, तो ये वाला केस तो आपका खत्म हो गया। अब चॉइस आपके पास यहां से होगी कि इन दोनों में कॉमन केस क्या होगा। अगर ए डॉट बी और ए क्रॉस बी जीरो है तो देखो ये वाला केस भी खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर ये जीरो होता है जब थीटा 90 है, और यहां पर ये जीरो होता है जब थीटा आपका क्या है, जीरो। वी आर लेफ्ट विद दीज वैल्यूज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो जो कॉमन केस होगा आपका वो क्या होगा, कि अगर ए डॉट बी जीरो के इक्वल है या ए एंड नॉट या एंड ए क्रॉस बी भी जीरो के इक्वल है, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, जीरो के इक्वल, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, जीरो। तो ये आपका कंक्लूजन होगा, दोनों का कॉमन कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन इज लेट द वेक्टर ए बी सी बी, ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो आपको क्या शो करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, सी यहाँ पे अगेन हम जैसे आपने स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया था, वही सेम लॉ आपका यहाँ भी यूज होता है। 10.3 में हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज किया था, कि अगर ए डॉट बी प्लस सी को हम कैसे ले सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सिमिलरली ए क्रॉस बी प्लस सी को हम कैसे ले सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब यहाँ वेक्टर ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर बी एंड दिस वन इज फॉर वेक्टर सी और वेक्टर सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया,
बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड की, क्या होगा बी वन प्लस सी वन आई क्या, जो आपको फाइंड करना है पहले मैं वो लिख ही देता हूँ सो दैट आपकी एक नज़र में रहे। हमें क्या फाइंड करना है, दैट्स ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। मीन्स ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसको आपको प्रूव करके दिखाना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करता है, ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी, बी वन प्लस सी वन आई कैप, जे जे में ऐड होगा बी टू प्लस सी टू जे कैप, के के में ऐड होगा बी थ्री प्लस सी थ्री के कैप। देन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, तो आपने लिखा आई जे के, जो आपका ए वेक्टर है आपकी ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ए वेक्टर के लिए क्या आ जाएगा, ए वन ए टू ए थ्री, और बी प्लस सी का जो आई कैप का कोफिशिएंट है बी वन प्लस सी वन, जे कैप का कोफिशिएंट है बी टू प्लस सी टू, और के कैप का कोफिशिएंट है बी थ्री प्लस सी। अब सॉल्व कैसे करना है, आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, ए टू बी थ्री प्लस ए टू सी थ्री, देन विद माइनस साइन ए थ्री बी टू माइनस ए थ्री सी टू, देन माइनस जे क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, ए वन बी थ्री प्लस ए वन सी थ्री विद माइनस साइन ए थ्री बी वन माइनस ए थ्री सी वन, देन प्लस के क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, ए वन बी टू प्लस ए वन सी टू विद माइनस साइन ए टू बी वन माइनस ए टू सी वन। ये सारी वैल्यू आ गई आपकी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये क्या आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपको क्या प्रूव करना है, दैट इट शुड बी इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी। इसके लिए आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा और ए क्रॉस सी भी दोनों को प्लस करना होगा, वो इस वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। जो वेक्टर है कि आई जे के कंपोनेंट है वो है ए वन ए टू ए थ्री, वेक्टर बी के आई जे के कंपोनेंट है बी वन बी टू बी थ्री। तो आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस जे कैप माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दो, वट वी विल हैव ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन प्लस के कैप। अब नाउ इन दिस केस फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, ए वन बी टू माइनस ए टू बी, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी वेक्टर। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस सी वेक्टर। ओके, दिस इज ए क्रॉस सी वेक्टर, आई जे के ए वेक्टर ए वन ए टू ए थ्री, सी वेक्टर सी वन सी टू सी थ्री, आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री सी वन, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। अब आपने जब ये सारी वैल्यू फाइंड कर ली तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी, योर लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, नॉट लेफ्ट हैंड साइड आई वुड से राइट हैंड साइड, ये जो वैल्यू है आपकी, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, और आप इसको सिंपली ऐसे लिखो, नाउ ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ए क्रॉस बी आपका क्या आया था, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स कैसे हमने निकाली वैल्यू, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। सी, ये आपकी जो वैल्यू है ये ए क्रॉस बी की है,
ये जो आपकी वैल्यू है वो किसकी है, ये आपकी ए क्रॉस बी और ये क्रॉस सी की। मैंने सभी कंपोनेंट्स को डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया, तो आपने अब आप इसकी वैल्यू निकाल। वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब बहुत ध्यान से देखना जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। देखो रेड वाले में रेड वाला ऐड होगा, तो आई कैप तो हो गया कॉमन, ए टू बी थ्री प्लस ए टू सी थ्री प्लस प्लस पॉजिटिव कंपोनेंट। देन माइनस वाले ए थ्री बी टू माइनस ए थ्री सी टू। पिंक वाले में पिंक वाला ऐड होगा, माइनस जे कैप कॉमन आ गया, इनके पॉजिटिव कंपोनेंट देखो ए वन बी थ्री प्लस ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री बी वन माइनस ए थ्री सी वन। देन ग्रीन वाले में ग्रीन वाला ऐड होगा प्लस के कैप पॉजिटिव कंपोनेंट ए वन बी टू प्लस ए वन सी टू माइनस ए टू बी वन माइनस ए टू सी वन। और यही सेम वैल्यू आपकी किसकी थी, अगर आप ध्यान से देखो तो यही सेम वैल्यू हमारी किसकी थी, यही हमारी वैल्यू थी। मैं कोशिश करता हूं अगर मैं रिलेट कर पाऊं। यस यू कैन सी दैट, ये देखो ये आई कैप है आपका, माइनस जे कैप प्लस के कैप, आपकी वैल्यूएशन सेम आ रही है। थोड़ा सा अगर पॉसिबल होता है मैं साइज बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट आप आई कैप को देखो मैच करके देखो, ए टू बी थ्री प्लस ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस ए थ्री सी टू, इसी तरह से जे और के, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो और वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। क्या कहा, अगर वेक्टर ए जीरो है या वेक्टर बी जीरो है तो ए क्रॉस बी जीरो के इक्वल होगा। बिल्कुल ठीक है, कहता इज द कन्वर्स ट्रू। इसका मतलब अगर ए क्रॉस बी जीरो के इक्वल है तो क्या ये जरूरी है कि ए या बी जीरो के इक्वल हो। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। ओके तो कन्वर्स क्या है कि अगर ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर के इक्वल है तो कन्वर्स क्या होगा कि ए वेक्टर जीरो के इक्वल है या बी वेक्टर जीरो के इक्वल। बट अगर ए क्रॉस बी जीरो के इक्वल है तो भाई वो पैरेलल भी हो सकता है और कोलिनियर भी हो सकता है। हमने यही तो स्टडी किया था कि ए क्रॉस बी जीरो के इक्वल हो तो वेक्टर ए जीरो हो सकता है, वेक्टर बी जीरो वेक्टर के इक्वल हो सकता है, बट एट द सेम टाइम दोनों वेक्टर पैरेलल भी हो सकते हैं या कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर जीरो। जैसे एक एग्जांपल लिया, देखो वेक्टर ए हमने लिया थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, वेक्टर बी आपने लिया ट्वेल्व आई कैप प्लस सिक्सटीन जे कैप प्लस ट्वेंटी के कैप। ना आपका वेक्टर ए जीरो वेक्टर के इक्वल है ना वेक्टर बी आपका जीरो वेक्टर के इक्वल है। बट जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, यू कैन सी दैट आई जे के वेक्टर ए के कंपोनेंट्स क्या हैं आपके, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं आपके थ्री फोर फाइव, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स क्या हैं ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी। यहाँ हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज किया। देखो जो भी आपके आर थ्री में जो एलिमेंट्स हैं सभी से आप फोर कॉमन ले सकते हो। जो भी आर थ्री रो थ्री के एलिमेंट्स हैं सभी से हम फोर कॉमन ले सकते हैं। तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फाइव जा ट्वेंटी। ओके और ये आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में स्टडी किया था कि अगर डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो के एलिमेंट सेम होते हैं तो वो जीरो के इक्वल होते हैं। डिटरमिनेंट में अगर किसी भी दो रो के एलिमेंट सेम होते हैं तो वो जीरो के इक्वल होता है, और यहाँ वेक्टर है तो जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि अगर ए क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो के इक्वल ही हो। देखो दोनों में से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है, फिर भी इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है, तो ये आपने जस्टिफाई कर दिया। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक कंसेप्ट आता है, आपका कंसेप्ट ये है आपका कि डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिला, प्रोजेक्शन, लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिला, प्रोजेक्शन। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी।
अगर ए ऑन बी फाइंड करना है तो ए डॉट बी, अगर ये होता बी ऑन ए तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए डॉट बी तो एज इट इज ही रहेगा बट नीचे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, देखो जैसे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, एक ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करना है, ये इसे वैक्टर ए हो गया जिसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए, लेंथ में तो मैग्नीट्यूड देखते हैं, ये वैक्टर बी है आपका जिसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी है, एंड दिस इज द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, दिस इज द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ये हमने दो कोनिशियल वैक्टर बना दिए, इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, देखो ये आपको पता है से एक्स वाई एक परपेंडिकुलर, एक्स वाई मैंने कोई एक परपेंडिकुलर ले लिया, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू कैन आई से दैट साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है पी बाय एच, तो अगर ये थीटा है तो ये आपका पी होगा जो आपको फाइंड करना है और ये आपका एच होगा। तो इन दिस ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, साइन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, जो आपका एक्स वाई है वो हो गया आप, वो आपको फाइंड करना है और जो एक्स जेड है आपका वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, तो आपका जो एक्स वाई है वो किसके इक्वल होगा, योर एक्स वाई विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ इंटू बेस, बेस आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये जो हाइट है आपकी एक्स वाई इसकी वैल्यू क्या आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, राइट। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपका ए बी साइन थीटा है, ये आपका ए बी साइन थीटा है, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका ए क्रॉस बी की तो वैल्यू है, जो आपका ए बी साइन थीटा है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू है, ये ए क्रॉस बी की तो वैल्यू है, क्योंकि मैंने कहा था जो एन कैप होता है ये तो डायरेक्शन होती है, जो एन कैप होती है आपकी ये तो डायरेक्शन को शो करता है, और हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए, जब आपको वैल्यूएशन फाइंड करनी है साइड निकालनी तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, ए क्रॉस बी का ये वाला जो पार्ट होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, ए क्रॉस बी के, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आप कैसे फाइंड करोगे, वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। पहले बताओ ये फॉर्मूला क्लियर हुआ कि अगर आपको किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है और उसकी दो साइड्स की तो एडजेसेंट साइड्स के बीच में अगर थीटा एंगल गिवन है तो वो किसके इक्वल होगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। इफ इट इज क्लियर देन थम्स अप, और दोबारा पूछते हैं तो बताओ। तो ये आपका डाउट है, देखो मैंने आपको क्या कहा कि जो आपकी हाइट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, अब हाफ इंटू बेस, बेस आपका है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये जो हाइट है आपकी ये आपकी आई है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी, आपको सॉरी आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपकी पूरी वैल्यू है ये आपकी ए क्रॉस बी के तो इक्वल है भाई, वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, साथ में